अरोड़ा जी, अब मैं जिनके लिए आप बहुत देर से पलके मिचाए बैठे हैं, आज के हमारे पूरे प्रोग्राम की आन बान और शान हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्री श्री भूपिंदर सिंह हुड्डा जी, वो आए और अपने विचार रखे। चौधरी भूपिंदर हुड्डा, चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। हमारे विधानसभा में साथी रहे और बहुत वरिष्ठ नेता और हमारे कुरुक्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार हमारे साथी भाई अशोक अरोड़ा जी, यहां से हमारी पार्टी के उम्मीदवार हमारे भाई चौधरी मेवा सिंह जी, चौधरी लहरी सिंह जी, पूर्व विधायक चौधरी मान सिंह जी, पवन गर्ग जी, कुलविंदर जी खेरा, हरप्रीत चीमा जी, राजीव गोयल जी और चौधरी शमशेर सिंह मलिक वकील साहब व और भी हमारे बांगड़ साहब वकील साहब उपस्थित, लाडवा हलके के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति और पत्रकार बंधुओं, बात तो सारी आपने सुनी। आज हमारा यहाँ इकट्ठा होने का मकसद 21 तारीख को जो चुनाव होंगे उसके बारे में निवेदन करने आए। ये चुनाव आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। ये चुनाव फैसला करना है आपने कि झूठे वायदे करके जो सरकार आती है उसको भार करना है या झूठे वायदों पर यकीन करना है। आपको याद होगा 10 साल आपने मेरे को मौका दिया प्रदेश की सेवा का, तो हमने पूरे उससे प्रदेश की सेवा की, हर वर्ग की, चाहे वो किसान था, चाहे मजदूर था, दलित था, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, सबकी, और हर वर्ग संतुष्ट था। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी। आज क्या है, आज 2014 में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और लोगों को बहुत आशा थी इससे, क्योंकि वायदे बहुत किए थे हर वर्ग से उन्होंने। हमारे को भी आशा थी वे पहली दफा बनी है, चलो देखेंगे, अच्छा काम करेगी तो हम भी अच्छा कह देंगे। 2014 के बाद आज जब 19 आया है तो जो लोगों को आशा थी वो निराशा में बदल चुकी। कोई भी एक भी वायदा इस सरकार ने पूरा नहीं किया। आज किसान है, किसान के क्या हालात है, आज हरियाणा में किसान बर्बादी के कगार पे। क्यों? क्योंकि आप बताओ, हमारे समय में जीरी का क्या भाव था भाई, याद है? भूल गए? 5,000, और क्या कहने लगे थे, जीरी गई आज में, अब जीरी कहां गई, ब्याज में। और क्यों, हर भाव को देखो आप, गन्ने का भाव जब हमने सरकार संभाली 110 था, 310 तक ले गए, और इस सरकार को 5 साल हो गए, कितने बढ़ाए भाई, 20 रुपए, और लागत कितनी बढ़ा दी, मतलब लागत बढ़ा दी, आमदनी घटा दी। हमारे समय में ना खाद पर टैक्स था, ना कीटनाशक दवाई पर टैक्स था, ना ट्रैक्टर पार्ट पर टैक्स था, और डीजल पूरे उत्तर भारत ही नहीं हिंदुस्तान में सबसे सस्ता हरियाणा में था, क्योंकि सबसे कम वैट था हमारा। आज क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीजल सस्ता, तेल सस्ता, और यहां हरियाणा महंगा, दिल्ली से भी महंगा। पहले दिल्ली पंजाब यूपी वाले यहां आकर डलवा के ले जाते थे, लागत बढ़ गई। जो कट्टा 800 रुपए का था हमारे समय में, वो आज कितने का है भाई, 1450 का। और जो एक स्प्रे 200 एकड़ में पड़े, 200 रुपए में पड़े थी एक एकड़ में, अब कितने की पड़ती है। और वो देख नारायणगढ़ जो है ना शुगर मिल में, अपनी पेमेंट के लिए नदी में बैठे हैं लोग,
ये स्थिति होगी। नतीजा क्या हुआ, हरियाणा का मेरा किसान, कोई पूरे समस्त किसान वर्ग कर्जे में डूबा बैठा, क्यों, लागत बढ़ गई, आमदनी घट गई। इसी प्रकार से गरीब आदमी का, शेड्यूल कास्ट का, बैकवर्ड कास्ट का, जिस पर हमने स्कीमें चलाई थी, 100-100 गज के प्लॉट की बात लो, हमने 3,82,000 100-100 गज के प्लॉट दिए थे, और 5 साल हो गए भाई, उनको मकान बनाने का पैसा भी दिया, 10 लाख टूटी लगाई फ्री में, 200-200 लीटर की टंकी साथ दी। तो आज 5 साल हो गए इनको, पूरा लाडवा हल्का यहां बैठा है। मेरा खुला सवाल है भाई, कोई एक प्लॉट दिया इन्हें किसी गांव में, दिया हो तो नाम और काम बता दो उसका, कोई टंकी दी, बल्कि जो स्कीम थी दाल रोटी की, उसमें भी घोटाला कर दिया, वो भी बंद कर दी, बीपीएल कार्डों में भी गड़बड़ कर दी, और जो शेड्यूल कास्ट के बच्चों की पढ़ाई के लिए वजीफा हमने शुरू किया था हरियाणा में सबसे पहले, वो भी बंद कर दिया, उसमें भी घोटाला कर दिया, कोई एक काम तो बताया इन्हें किया। वायदे बहुत किए थे, वायदे किया था किसान से कि हम स्वामीनाथन का भाव देंगे, स्वामीनाथन का भाव तो दूर, आज किसान को एमएसपी भी नहीं मिलती। आज देखो तुम्हारी जीरी भी सस्ती गई ना, अभी राजीव बता रहा था, मैं पिछली बार टेलीफोन आया था जब कर रहा था, तो कहता जी मंडी में 150-200 रुपए पर क्विंटल सस्ती जा रही है, एमएसपी से भी सस्ती। कपास जहां किसान बोता है वहां 5500 एमएसपी है, लेकिन 4700-4800 में जा रही है। आप कोई भी देखो, जहां सूरजमुखी यहां आती है तो कहते हैं हम तो इतने क्विंटल लेंगे एक एकड़ का, बाजरा होगा जाओ वहां क्विंटल लेंगे, मतलब क्या किसान को एमएसपी भी नहीं मिलती, बढ़िया भाव देने का तो क्या बात है। तो ये स्थिति है किसान की, गरीब आदमी का आपने देख लिया, किसान का देख लिया, कर्मचारियों को देख लिया। कर्मचारियों को कहा कि हम पंजाब का वेतनमान देंगे, अरे पंजाब का वेतनमान तो छोड़ो, आज कर्मचारी का जो 7th पे कमीशन में उसका एचआरए बनता है 6,000 करोड़, वो भी नहीं दिया, जो 7th पे कमीशन भी पूरा लागू नहीं किया। तो ये सरकार है किसकी, ये कुछ धनाढ्यों की सरकार है, कुछ धनाढ्यों की है, उनका तो कर्जा माफ कर दिया 2,00,000 करोड़, अरे किसान का और गरीब आदमी का क्या होगा। आप ये देखो, आप इलाके में आपने देखो, ठीक कहा अशोक अरोड़ा जी ने, ये सरकार तो भाई सरकार चलाना चाहती है डंडे से, गोलियों से, 66 से लेकर 2014 तक 80 आदमी नहीं मरे, लेकिन इनके अब से लेकर 14 से लेकर 19 तक 80 पार करके 80 से भी ज्यादा आदमी मारे, जहां मर्जी करेंगे पुलिस ले आओ। और ये इन्हीं के वो प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट आई, उसमें पूर्ण रूप से जो जान और माल का नुकसान हुआ उसको सरकार को दोषी ठहराया, उसकी रिपोर्ट ही गायब कर दिया, उसका जिक्र ही नहीं करते। तो ऐसी सरकार आ गई है भाई, घमंड में चूर है और जनहित का कोई फैसला नहीं। तो आज समय है कि ऐसी सरकार को हम सब मिलकर बाहर करें, फिर बार बार मौका नहीं आता है, ये मौका आया है तुम्हारे पास। पर सवाल आएगा, आप कुदरती बात है, आप सोचोगे, कहोगे, पूछोगे कि भाई ठीक है, हम इस सरकार ने तो कुछ नहीं किया हमारा बर्बादी के सिवाय, आप क्या करोगे, आपकी सरकार क्या करेगी आएगी। तो मैं बताता हूं भाई, हम जो कहते हैं वो करते हैं। आपको याद होगा 2005 में जो किसान जितना कहा उससे फालतू किया, हमारा 2005 का घोषणा पत्र निकाल के देख लो, मेरा खुला चैलेंज है, एक पॉइंट भी ऐसा निकाल दो जो हमने पूरा ना किया हो। 2009 का देख लो, और इनका 2014 का घोषणा पत्र देख लो, एक भी बात इन्हें जो बात घोषणा करी हो, जो वायदा किया हो, पूरा किया हो, देखो उससे भी फालतू कहते हम। आपको याद होगा जब फसली ऋण, जिसको शॉर्ट टर्म लोन कहते हैं, कितना ब्याज था भाई उसका, 12% ब्याज दिया करते आप लोग, अब भूल गए, 12% था। मेरे को मौका मिला, एक कमेटी का चेयरमैन बनाया मेरे को, पूरे देश में आज कोई भी बैंक हो, चाहे नेशनलाइज्ड बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, कॉपरेटिव बैंक हो,
फसली ऋण पर 4% से ज्यादा ब्याज नहीं ले सकते, और हरियाणा में तो हमने 0% कर दिया था, जो वायदा किया उससे भी फालतू किया, हरियाणा में 0% किया। तो भाई जो आपसे बात कहें तो वो हम पूरा करेंगे। अब सवाल आता है भाई आप क्या करोगे, हमारे कुछ देखो हमारी सरकार बनेगी तो पहला काम, पहले ही क्रम से काम होगा क्या, जो हरियाणा का किसान है और भूमिहीन जो गरीब आदमी है, कर्जे में डूबा हुआ है, बनते ही 24 घंटे के अंदर अंदर किसान का कर्जा माफ करेंगे और गरीब आदमी का कर्जा माफ करेंगे। दूसरा, बिजली का तमाशा किया हुआ ने, बिजली के रेटों की मीटरों की खरीद में घोटाला किया और फिर कहा सबके मीटर भार लगा दो, भार लगा के बिल कितना आता भाई है? मतलब जैसे लूट की दुकान खोल दी हो जाए जहां तक बिजली, मतलब यह है बिल फुल बिजली गुल, यह इनकी नीति है। हमारी ये नीति नहीं है, हमारी नीति होगी बिजली फुल और रेट आधा। और जो छोटा किसान है, दो एकड़ तक का किसान है, उसकी बिजली फ्री, गरीब आदमी के 300 यूनिट तक बिजली फ्री, ये आप बिजली का कहेंगे। फिर ये जो बात कर रहे थे यहां पे, अभी भाषण दे रहे थे अपने बुजुर्गों के, जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके पेंशन की बात, सम्मान पेंशन की बात, देखिए 100 से शुरू हुई 2005 में, जाते जाते अरोड़ा साहब की सरकार ने 200 की दिए नहीं, हमने दिए 200 से करते करते 1000, और जाने से पहले हमने 1500 का फैसला किया, लेकिन ये सरकार आई इसने उल्टा 1000 का कर दिया। और फिर क्या किया, अगर कोई बुजुर्ग बीमार हो जाए, खाट पे लेट रहा हो, पेंशन चाहिए तो खाट समेत बैंक में लेके जाओ जब पेंशन मिलेगी, हमने खाट पर पहुंचाई नहीं पहुंचाई 10 साल, घर पे आई पेंशन। तो भाई हमारी सरकार आएगी, एक तो घर पे पेंशन पहुंचाएंगे, खाट पे पेंशन पहुंचाएंगे बुजुर्ग की। और जो इन्होंने तमाशा किया है ना, टाइम पे नहीं देना और हर साल 200-200-200 बढ़ाना, जैसे बकरी मींगन कर रही हो 200-200 बढ़ा दो भाई, ऐसा तमाशा किया हमारे बुजुर्गों के साथ। हमारी सरकार आएगी तो पहले महीने से अपने बुजुर्ग की पेंशन 5100 रुपए करेंगे, 5100 बुढ़िया और 5100 बूढ़े की पेंशन होगी, और खासकर पे महिलाओं को, महिलाओं के खास हमारा वो है गरीब जो बीपीएल की महिलाएं, एक तो बीपीएल कार्ड ठीक करेंगे, एक जो बीपीएल की महिलाएं हैं जो चूल्हा चौकी चलाते हैं, जो बैठ जाओ जो चूल्हा चौकी चलाते हैं, जोश आ रहा है हमारे बुजुर्ग को, क्या उनसे सुन के कोई बात नहीं, जो चूल्हा चौकी चलाते हैं उनको हमारी बहने बीपीएल से, उनको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है, छोटी छोटी बात के लिए भी इंतजार करनी पड़ती है, रुपए 2-2 रुपए के लिए भी। तो भाई हम उनका, महिलाओं का जो चूल्हा चौकी चलाते हैं, चूल्हा खर्च के नाम से 2000 रुपए महीना महिला के नाम देंगे सीधा। और महिलाओं को तो भाई, हमारी बहन बेटियों को तो कोई, किसी को ससुराल जाना पड़े है, किसी को अपने घर जाना पड़ता है, ससुराल से घर जाए तो अपने आदमी से किराया मांगना पड़े, वो कह रहा आज नहीं कल जाइए, कल नहीं परसों जाइए, और घर से वो आए ससुराल में तो भाई अपने भाई की तरफ देखना पड़ता है, वो कहेगा बेबे 2 दिन और रुक जा, 4 दिन रुक जा, इंतजार करती उसे। तो भाई आने जाने का, चाहे ससुराल जाओ चाहे घर जाओ चाहे कहीं जाओ, हरियाणा में, हरियाणा रोडवेज में महिलाओं का किराया फ्री, कोई किराया नहीं लगेगा। जो एक जो बात अशोक अरोड़ा जी ने कही ये बहुत है, देखिए जो प्रदेश हमने 2014 में प्रति व्यक्ति निवेश में और प्रति व्यक्ति आय में, विकास में नंबर एक छोड़ा था, आज कहां है हमारा प्रदेश, किस चीज में नंबर एक है पता है? ये मेरे नहीं है, सरकारी आंकड़े हैं, क्राइम
रिकॉर्ड है उसका, संस्था है उसका है। आज हरियाणा नंबर एक अपराध में है, विकास में तो नंबर दो नौ पे है, और आज हरियाणा नंबर एक है बेरोजगारी में। जो बेरोजगारी की दर 2012 में हमारे टाइम में 2.8 थी, आज वो बढ़कर 28.7 हो गई, 10 गुना ज्यादा में बेरोजगारी बढ़ गई। आप ये बात कहते हैं हमने रोजगार दिए, अरे बेरोजगारी कैसे बढ़ गई भाई, इतनी बेरोजगारी कैसे बढ़ गई, ये तो सर्वे की रिपोर्ट है। और नौकरियों में जैसा कहा, ठीक कहा अशोक अरोड़ा जी ने, हरियाणा प्रदेश पहला प्रदेश है जिसका एसएस बोर्ड का चेयरमैन सस्पेंड हुआ हो, रंगे हाथे नौकरी पकड़ी गई हो, मतलब परचून की तरह नौकरियां बेची हैं, 4 लाख ड्राइवर के, फलाना इतने लाख इतने के, ऐसे नौकरियां बिकी, सबको मालूम है। एक पेपर का नाम बता दें जो इन्होंने लीक ना किया हो, सारे पेपर लीक किए हैं, सब हेराफेरी किए इन्होंने, बुरी तरह नौकरियां बेची। अब कहा चुनाव से थोड़े दिन पहले उन्होंने कहा कि हमने 18,000 नौकरियां बगैर इंटरव्यू के लगाई हैं, पारदर्शिता से लगाई हैं। ये तो बात ठीक है भाई, इंटरव्यू तो नहीं लिए, लेकिन वो कौन है, कौन लगे 18,000? आपको मालूम है जो हमारे बच्चों ने इंजीनियरिंग की हुई है, जो हमारे बच्चों ने एमए की हुई है, एमबीए की हुई है, बीकॉम, एमए, एमकॉम है, उनको क्या लगाया भाई इनने, है चपड़ासी, बेलदार, पानी पिलाने वाले। मैं अभी थोड़े दिन पहले भिवानी गया था तो 4 रेस्ट हाउस में मैं गया, 4 आदमी आए हमारे पास, मेरे पास, कह रहे जी बड़ा जुल्म हो रहा है। मैं क्या हो गया भाई, बोला हम रेस्ट हाउस पे आया, हमने पानी मांगा तो एक हमारी एक लड़की जो है वो पानी लेके आई, जब हम पीने गए तो एक ने हमारे को बताया भाई ये बेटी हमारी एमए है। तो हमने तो जब ये हाथ जोड़ लिए, बेटी तेरे, तू पानी हम अपने आप पी लेंगे, ऐसा अनर्थ हम नहीं करेंगे, ऐसा उनको किया है, इतना भद्दा मजाक किया है। एक बात बताओ मेरे को भाई, जिस इंजीनियरिंग करके, एमए करके, एमकॉम करके अगर चपरासी लगना है तो कौन ऐसा माँ बाप है जो अपना पेट काट के अपने बच्चे को पढ़ाएगा, इंजीनियरिंग कराएगा, कराएगा कोई? इससे दोहरा नुकसान हुआ है क्या, जो 10वीं 12वीं बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं या कम पढ़े हुए जो नहीं पढ़ सके, वो तो वंचित हो गए, उनको लगना था वहां, और जो लगा दिए वो अपमानित हो गए। कई बार मैंने कहा सरकार से सफेद पत्र जारी करो, कितने बच्चों ने ज्वाइन की, आधे से ज्यादा ज्वाइन की, अपमानित हो गए, ऐसा इन्होंने अपमान किया बेरोजगारों का। हम ऐसा काम नहीं करेंगे, हमारे को मालूम है, रोजगार का प्रावधान करेंगे, और जो पढ़े लिखे हमारे बच्चे हैं जो इन्होंने क्लास डी में सिलेक्ट करें इंजीनियरिंग वगैरह, उनको सबको क्लास सी में लेके जाएंगे ताकि उनका सम्मान रहे, और जो पढ़े लिखे हैं उनको अपमानित नहीं होने देंगे, उनको रोजगार देंगे, और जब तक रोजगार नहीं मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएट जो एमए हैं उनको 10,000 रुपए महीना तो वो देंगे, उनको बता देंगे, और जो बीए उनको 7,000 रुपए देंगे ताकि अपमानित ना हो हमारे पढ़े लिखे बच्चे, आगे बढ़े और उसको देखकर आगे बच्चे पढ़े। इसी प्रकार से जो हमने शेड्यूल कास्ट के बच्चों के लिए पहली जमात से वजीफा शुरू किया था, उसमें भी घोटाला कर दिया इन्होंने, तो हम घोटाला नहीं होने देंगे बल्कि और मदद करेंगे। शेड्यूल कास्ट का बच्चा पहली जमात में जो दाखिल होगा, पहली से लेकर 10वीं तक, उसको साल का 12,000 रुपया वजीफा देंगे हम, और 10वीं से 12वीं तक साल का 15,000 रुपया वजीफा देंगे हम। एक बहुत नारा चल रहा है स्वच्छ हरियाणा, स्वच्छ भारत, लेकिन सफाई कर्मचारी कोई गिनती नहीं, वो कच्चे ही है। आपको याद होगा हमारी सरकार थी तो एक कलम से हमने 11,000 सफाई कर्मचारी लगाए थे। अगर स्वच्छ हरियाणा रखना है तो भाई कर्मचारी लगाने पड़ेंगे ना, उनको भी तो रोजगार चाहिए। हमारी सरकार आएगी तो एक कलम से हम 50,000 सफाई कर्मचारी लगाएंगे, 35,000 गांवों में, 15,000 शहरों में। और भाई जहां तक सरकारी कर्मचारियों का सवाल है, कच्चों को पक्का तो करेंगे ही, और
जो पूरा पंजाब का वेतनमान देंगे, जो हमारी कैबिनेट का फैसला था जो इन्होंने पलट किया, और पुरानी पेंशन लागू करवाने का हम फॉर्मूला बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारी ये पुरानी पेंशन की मांग आई है। बाकी जो सेवा में, लोगों की सेवा में लगते हैं, सरपंच हैं, मेंबर पंचायत हैं, भाई चेयरमैन हैं कमेटियों के, उनके भी हम जो है भत्ता और पेंशन बढ़ाएंगे, नंबरदार हैं। जैसे सरपंच का, सब सरपंच का हम जो है महीने का 10,000 रुपए का भत्ता करेंगे, और मेंबर का 2,500, इसी तरह उनकी पेंशन भी करेंगे, और नंबरदार का 6,000, गांव के चौकीदार का 8,000, क्योंकि सब लोगों की सेवा करते हैं, इसको बढ़ाएंगे। और एक और तमाशा कर रखा है उन्होंने, वो अभी चुप हैं, अगर खुदा ना खास्ता ये सरकार बन गई फिर तो खिंचाई तुम्हारी पूरी कर देंगे। कैसे? मोटरसाइकिल तो 15,000 की, और जुर्माना 25,000, अरे ट्रैक्टर 60,000 का, जुर्माना 1,00,000, तमाशा है कोई? अरे जुर्माना तो अमेरिका का लगा रहे हो, और सुविधा पाकिस्तान ने भी 72 दे रहे हो, यहां पे कैसे लगा चलेगा? तो ऐसा कानून हम नहीं चलने देंगे, ऐसा कानून हम नहीं चलने देंगे भाई। यहां से हमने चौधरी मेवा सिंह को टिकट दिए, चौधरी मेवा सिंह को मैं जानता हूं, बहुत सेवा करने वाले हैं, बहुत अच्छे हैं, अपने इलाके की एक एक समस्या को जानते हैं, आपकी पूरी सेवा करेंगे, और भाई कोई मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं रहेगी, कोई कमी भी हो दिखे तो मैं बैठा हूं भाई आपकी सेवा में, आप आ जाए, ये समझो। जो एक एक वोट पड़ रही है चौधरी मेवा सिंह को, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पड़ रही है भाई। मेरा आपसे ये निवेदन है, इनको यहां कामयाब करो। आपने पहले भी बहुत नेता देखे हैं, मैं किसी की निंदा नहीं करता, लेकिन वो तो भाई चुनाव आए, फसल आए तो नोट टांगे झोली भर के ले जाते थे भाई। मैं तो हाथ जोड़ के तुम्हारा कह रहा हूं, मैं तो वोटों की झोली भर के ले जाऊंगा तुम्हारे से। हमारे भाई मेवा सिंह को आप कामयाब करो, बहुत अच्छे विधायक हैं, और सरकार में भी इनको साझेदारी मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ जिता के भेजोगे, हाथ खड़े करके भेजोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद हुड्डा साहब।